गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मेरा नाम ओम प्रकाश झा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। गुरु जी, आपने शक्तिपात किया था तो उस समय मुझे, उससे पहले तो गर्म गर्म यहाँ तक मूलाधार चक्र से गर्म गर्म यहाँ तक आया था, पीछे फिर पीछे आप जो इशारा कर रहे हैं, पीछे का मतलब नाम ले लो, ये हृदय चक्र, हृदय से थोड़ा ऊपर तक, हृदय से थोड़ा ऊपर जी, वहीं तक आंख लगाया था। और उसके बाद फिर ये हो गया, जब हम रूम में गया सोने के लिए रात को, तो पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुआ काफ़ी, मतलब फिर मैं सो गया। और आज अभी जब ध्यान कर रहे थे उस समय लाइट आ रही थी, मतलब यहाँ पर वो तो मुझे पहले से भी दिखाई दे रहा था लाइट, येलो कलर, उसके बाद ब्राउनिश कलर, मतलब अंगारे की तरह, और नीला कलर जब दिखाई दे रहा था तो पड़ोस में साथ में पचका करने लगा था, ध्यान टूट जाता था। और जब मुझे नीला कलर दिखता उसके बाद ही पूरे प्रकाश फैल जाता नीला कलर का, पहले भी ऐसा होता था लेकिन आज वो अभी ऐसा नहीं हुआ। और मूलाधार से जो आपकी ऊर्जा या गरम गरम ऊपर की ओर जी, हृदय से ऊपर की ओर चढ़ता हो, क्या आप जानते हैं कि वो क्या? नहीं, मुझे आप बता रहे थे प्राणवायु है, या मैं मीनाक्षी दी से एक बार यमुना विहार में, यमुना नगर में पता किया था, तो उन्होंने बोला कि आप प्राणवायु की बात अभी की कर रहा हूँ, जो आपने, मैंने जो शक्ति पास किया और नीचे से ऊपर तक चढ़ती हुई चली गई, तब में और हमने भिन्नता होगी जी, तब में और हमने जो गर्म गर्म ऊपर की वही जी, एक लाइन लाइन से जो वही मैं कल समझा रहा था, लाइन इसी तरह का बनना जी जी, कुंडलनी होती है। अच्छा, प्राणायाम, प्राण जो होता है वो एक हवा का बुलबुला जैसा ऊपर की ओर चढ़ता है, मगर तुम जो बता रहे लाइन जैसी, तो कुंडलनी नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जाती है। ध्यान गुरु जी, जब मैं ध्यान कर रहा था तो उस समय पहले बुलबुला टाइप का निकल रहा, मतलब आकर के यहाँ तक गर्म महसूस हो रहा था, बुलबुला सा जी, वो प्राण था। अच्छा, अगर गौर करें तो दोनों में भिन्नता जी जी जी। किसी साधक ने शायद पूछा था कि कुंडलनी और प्राण को अंतर कैसे समझे या क्या अंतर होता है जी। तो यही अंतर होता है, आपने जो अनुभूति की है, पहले आप प्राण की अनुभूति करते थे बुलबुला जैसा जी, जो अभी थोड़ी देर पहले शक्ति पात किया गया वो कुंडलनी का अनुभव था, तो क्या उसमें बता रहे कि लाइट कैसी गर्म ऊपर की ओर शक्ति चली जा रही है जी। और मतलब कोई अनुभव अभी तो अनुभव नहीं है, जब नीला प्रकाश देखने के बाद ही मैं थोड़ा देर ध्यान में रहता हूँ तभी मुझे और कुछ अनुभव आते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन ध्यान टूट जाता था पड़ोस में, कोई बात नहीं, अब घर में जाकर ध्यान करें, अच्छी बात है आपकी कुंडली उठा ली गई है, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप व्यवसाय क्या है? मैं व्यवसाय मेरा, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसमें अकाउंट्स देखता हूँ। नहीं सर, मैं निकाल लेता हूँ अभी, अब मेरे पास उतना काफी टाइम है, मतलब ऑफिस के टाइम के बाद भी मेरे पास घर पे, मैं अब अकेला रहता हूँ तो अकेले रहते हैं जी जी, तो फिर ठीक है, डांट वांट तो नहीं पड़ेगी, क्या करने लगे आप? नहीं सर, ये सब पहले भी मुझे सहयोग, मेरी वाइफ भी सहयोग करती थी, मैं पूजा पाठ बचपन से काफी पहले से भी करता था। दिल्ली में मैं रोहिणी में रहता हूँ, नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके साथ में, सेक्टर 17 है। जॉब कहाँ? जॉब ग्रीन पार्क में है सर, मेडिकल के साथ में। ठीक है, दूरी है जी, हाँ 1 घंटे लग जाते हैं जी मेट्रो से। सर ठीक है, अकेले हैं आप, रहने वाले कहाँ पे? मैं रहने वाले सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ जी, लेकिन 25-30 साल से मैं यही दिल्ली में रहता हूँ, 30 साल से। अब चलो, आपके भाग्य का उदय हो गया है, आप चाहे तो आगे इसको बनाए रखना चाहे तो अभ्यास करना पड़ेगा, और अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी 5-6 महीने शायद समाज के संपर्क में रहूंगा, फिर संपर्क करने तक छोड़। गुरु जी, एक अनुभव आया था जब मैं जो दिल्ली इसमें था, दिल्ली शिविर में गया था, तो उस समय एक दिल्ली शिविर का
जी वहाँ से आने के बाद अच्छा। जब मैं पूजा ध्यान में बैठा था तो एक लेडीज आई थी, लेडीज आई और वो हमारी तरफ ऐसे हाथ की, लेकिन चेहरा ढका हुआ था, व्हाइट कलर व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, हमारे तरफ हाथ ऐसे बढ़ाई, हाथ बढ़ाई तो मैं भी उनके साथ चल दिया, चल दिया, वो आकाश में बहुत ऊंचा ऊपर तक ले गई, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ सारा कुछ पूरा, मतलब समुद्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं, काड़े सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं, और सामने दिखाई दे रहे हैं कि ये है एक मस्जिद है, मस्जिद में बहुत सारे लोग नीचे बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उसी समय बच्चे आए, वो कहे हम ऑफिस में जाना है, पापा ये करो नाश्ता रखा हुआ है, मेरा ध्यान टूट गया, तो उसका क्या अर्थ हुआ, मैं तो कुछ नहीं समझ पाया, मैं उस समय डर गया था, ऐसे की तो एक छोटा बच्चा की तरह मैं उनके साथ मतलब उंगली उनका पकड़ लिया, मैं उनके साथ आगे जाता चला गया काफी। ये आपका अनुभव बहुत अच्छा है और उसी चीज का आपको मतलब मिल गया, ऊपर को ले जाना यानी आपकी साधना आगे बढ़ने की, वो सूर्य शरीर था, ये नहीं होकर सूर्य शरीर था, वो उसको लेकर ऊपर गई, उसका मतलब होता है कि भविष्य में उन्नति हो गई, आपकी उन्नति हो गई, आपकी कृपा गुरु जी, जब से तब मैं आपको आशीर्वाद ठीक है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया और आपका कर्म था, मैंने अपना काम कर दिया, अब ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम क्या मानते हैं सर, अब जो अवरोध होकर आएंगे तो वो तो आप ही मतलब गुरु जी, गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं अच्छे, और गुरु के अच्छे गुरु के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, या हम लोग तो अज्ञान है, मतलब गुरु गोविंद के समान होते हैं, तभी मैंने ध्यान में भी मैंने आपको देखा था कि पहले आपको देखा, आपको प्रणाम किया था, उसके बाद मैंने शिव जी को हिमालय की तरफ देखा दिखाई दिए थे, उसके बाद कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए बागीचा में दिखाई दिए, तो आप चलो अच्छी बात है, अब अगर कोई दूसरा साधक कुछ कहना चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।